क्या जनता, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो गाइस आज मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल के होने वाले, क्योंकि आज आपका भाई लेके आ चुका है कि अपना लियोस गेम के अंदर में चैरियट कैसे बना सकते हैं। थोड़ा डिटेल में बताया हूँ यार, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो यार दिक्कत हो जाएगी। और आप कमेंट करके बताओ कि भाई चैरियट ऐसा सब बना नहीं चला नहीं, तो यार वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर से देखना। और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। फिलहाल चलो वीडियो शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना है ऑपरेशन बेस में, फिर आ जाना है गैराज के अंदर में। तो यार बेसिकली रिस्टोर व्हीकल जो है, आपका जो व्हीकल होता है उसको रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। और एंटर करेंगे अपन, तो मैं यहाँ पर एंटर कर चुका हूँ और ये मेरा चैरियट है जो फिलहाल मैं अभी यूज़ करता हूँ। तो इसके बारे में मैं फिलहाल वीडियो के एंड में बता दूंगा कि क्या स्पीड है और कैसी चलती है, पूरा टेस्ट ड्राइव इसका भी बता दूंगा। और यहाँ पर आपको बेसिकली टायर्स और मेरे कुछ कुछ मैंने जो बाइक है सारा चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। लॉक वगैरह हो गया, स्टोरेज चेस्ट हो गया, इजेक्टर ये आपको पहले ही नहीं मिलेगा, आपको बाई करना पड़ता है। तो बेसिकली मैं पूरा बेसिक जो चीज़ें हैं उससे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो। तो फिलहाल सबसे पहले आपको बेस फोर्स चेक करना है, तो होम बटन दबाना फिर मिल जाएगा। देखो तो मेरे पास 2746 है, आपके पास जो भी होगा चल जाएगा। 500-800 से बन जाता है चैरियट बेसिक वाला, एकदम नॉर्मल सा वाला। तो सबसे पहले ये आपको फ्रेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर 4 फ्रेम डाल लेना, आप चाहो जितना भी डाल सकते हो। फिलहाल मैं अगर मेरे ही आप कॉपी करना चाहते हो तो सेम टू सेम बना लेना। और देखो 4 मैंने फटाफट से कर लिया, जब भी ब्लू दिखेगा तभी अप्लाई होगा, रेड होगा तो अप्लाई नहीं होगा, तो ध्यान में रख लेना। ब्लू होगा तभी अप्लाई होगा, नहीं तो फिर ऐसे कोशिश मत करते रहना। ओके, तो ब्लू हो गया। और सबसे पहले आपको करना है तो टायर पहले जहाँ पर स्टेयरिंग वाला जो चिन्ह है वहाँ पर डालना है, यानी कि स्टेयरिंग वाला, ठीक है, जिसमें लिखोगे कैन टर्न, ठीक है, ये लिखा होगा तो वाले पे पहले डाल देना है। तो मैंने इसको दोनों को अप्लाई कर लिया है। और उसके बाद आपको केबिन सेलेक्ट करना है, मेरे पास 2 प्रकार के केबिन हैं, तो फिलहाल मैं नॉर्मल वाले केबिन में जाऊंगा। उससे पहले यार हम थोड़ा अलग डिज़ाइन से बनाने वाले हैं, तो आपको मैकेनिकल गार्ड सेलेक्ट करना है, तो इसको ऐसे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको बम्पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, फ्रंट बम्पर, तो इसको फटाफट से लगा लेते हैं यार, या फिर ना बेसिक से काम हो गया। उसके बाद आपको लगाना है केबिन, यस अभी केबिन लगाना है, अभी अपना काम लगभग डन ही हो चुका है। तो केबिन लगाने के बाद आप चाहो तो टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हो, क्योंकि इतना में हो जाएगा। वैसे पीछे का तो टायर हम लगाए नहीं, तो फिलहाल अभी पीछे का टायर लगा लेते हैं, फिर आप चाहो तो टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हो, चल जाएगा आपका जो चैरियट है वो। फिलहाल भी बहुत सारे काम इसमें बाकी हैं, तो यार यहाँ पर उसे आपको फ्रंट बम्पर को अप्लाई कर लिया। उसके बाद आपको मैकेनिकल गार्ड अप्लाई करना है, ठीक है, तो मैकेनिकल गार्ड ये पहला लग गया। उसके बाद आपको दूसरा लगा देना है जस्ट का तस, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है रोल केज, लेफ्ट वाला आपको लेफ्ट में अप्लाई करना, राइट को राइट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से राइट वाला भी लगा लेता हूँ, यहाँ से उल्टा रहेगा तो लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट वाला भी लगा सकते हो, राइट वाला भी, तो अपने आप से अप्लाई हो जाएगा ठीक से। और यहाँ पर लिखा होगा कैन नॉट टर्न, ठीक है, तो लाइट वाला कैन नॉट टर्न, तो ये मैं फटाफट से कर लेता हूँ। कैन टर्न में आप स्टेयरिंग रहेगा और कैन नॉट टर्न पे आप नॉर्मल वाला रहता है, तो ये मैं नॉर्मल वाला लगा लेता हूँ। और ये जो बेसिक वाला आता है जो आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है वो टायर्स है, मैं अपना वाला टायर्स यूज नहीं कर रहा हूँ जो मैंने बाई किया हुआ है। तो इतना काम हो जाने के बाद आपको यार कलर करना है, यस, तो पहले कलर करेंगे। और चाहो तो यहाँ पर आप और भी चीज़ें हैं वो भी अप्लाई कर सकते हो, फिलहाल मैं उस चीज़ का नहीं दिखाऊंगा। उससे पहले यार आपको हम फेंडर सेलेक्ट कर लेना है, तो लेफ्ट को लेफ्ट डालो, राइट को राइट को फटाफट डाल देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लेफ्ट है, ये उल्टा हो रहेगा, हम ला रहा लेफ्ट उसका राइट वाला, तो ये बेसिकली सिस्टम है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। आगे का भी लगा लेते हैं फटाफट से लेफ्ट राइट करके। ओके, तो ये लग नहीं रहा है भाई, जल्दी से लग जा, क्या कर रही है। अच्छा, ये राइट वाला है, तो राइट में लगा देते हैं। और ये लेफ्ट वाला, खैर यहाँ पर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसमें राइट लेफ्ट और गेम वालों के राइट लेफ्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। कलर बेसिकली तो आप कोई सा भी कलर कर सकते हो, चलो कर मैं बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो एरो है एक छोटा सा, तो वहाँ पर भी आप पूरा कर सकते हो। और वाइट वाली होती है, उसमें हम कलर निकाल सकते हैं, तो एक कारपेंट यूज़ कर लेते हैं, मेरे पास येल्लो है, तो फिलहाल सोच रहा इसको पूरा येल्लो कर दो, क्योंकि येल्लो मैंने पूरा कर लिया। और यहाँ पर ब्लू भी करके देखते हैं, यानी कि ज़्यादातर येल्लो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि येल्लो ही कर लिया जाए, येल्लो ज़्यादा बेटर लग रहा था ब्लू से। तो ये वाली अप्लाई हो गई है, ये वाला जो मैं बोल रहा था ये चीज़, तो फटाफट से मैं लगा लेता हूँ इसको यार, कि ये पीछे में लग गया और एक आगे में लगाना है, तो काफ़ी अलग से इसमें लुक आ जाता है एंटी करके है। तो ठीक है, इसको अप्लाई कर लेना और वापस इसको कलर कर लेंगे।
ओके, तो मैंने ये अप्लाई कर लिया और कलर भी फटाफट से कर लिया यार। और इसके बाद गाइस काफ़ी सारी चीज़ें, तो उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास बाइक कर रखा है तो ऐसा यूज़ होगा, नॉर्मली मैं ऐसा यूज़ नहीं होने वाला। ये है हमारा स्पाइक्स जो मैंने बाई किया हुआ था शॉप से, तो वैसे सबके पास नहीं होगा, जो लोग खर्च करके लिए होंगे तो उसके पास होगा। इसको आराम से अप्लाई कर सकते हो। यह कैनन अपना चेरियट लाइट मशीन गन, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहो तो। खैर ज़्यादा काम नहीं आता तो यूज़ नहीं करना। और यहाँ पर देखो अपना रेट में, तो अपने को कुछ गियर और तो ज़्यादा सामान तो नहीं लग रहा इसमें, नॉर्मली है के हिसाब से देखा जाए तो। इसे भी लाइट वेट बना सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि भाई अपने को लाइट, इससे भी लाइट चाहिए, कम से कम स्क्रीन में बनना चाहिए, तो ऐसा बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको और भी कुछ सामान मिल जाता है, लाइक ये स्टोरेज चेस्ट, जैसे बाई करना पड़ेगा सबको यार, मेरे पास है तो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर लॉक भी है, और फिलहाल मैं पेडल लगा लेता हूँ, पेडल ही उतना, हाँ पेडल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर राइट वन लगा लेते हैं और उसके बाद फिर लेफ्ट वाले भी लगा लेते हैं यार। फिर कहाँ पर था पर मैं देख लेता हूँ वापस, ठीक है ये हो गया। और अभी इसको लगा लेते हैं, ओके ठीक है, इसको फटाफट से अभी लगा लेते हैं। ओके गाइस, इतना सब हो जाने के बाद आपको सेव कर लेना है, तभी आपको जो प्रोजेक्ट वो सेव हो पाएगा। और यहाँ पर टेस्ट कर लेना, ठीक है। तो इसका फिलहाल अभी स्पीड चेक करते हैं, थोड़ा भगाते हैं इसको। आई थिंक यार इसका स्पीड 70 के आसपास लगभग जाएगा, लगभग 70-75 जाएगा, ज़्यादा तो नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें इजेक्टर लगा नहीं है, तो इतना ही जाने वाला है। और आई थिंक स्टेबल तो काफ़ी ज़्यादा है, और स्पीड आपको थोड़ा कम ही मिलने वाला है। तो वैसे स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से, ज़्यादा स्पीड ना हो तो भी चलेगा, और डिफेंस तो रहता ही, जानते हो। आपको कम से कम 200-300 लगभग 300 AKM की बुलेट, या फिर रेन की 27 वाली बुलेट है, या फिर 5 वाली बुलेट, मतलब लगभग 300 लग ही जाएगा यार, तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। उतना तो आप आराम से पहुँच जाओगे ना दूर तक। और बजू का यार 5-6 शायद, हाँ 8 बजू का सेल में इसका काम तमाम हो जाता है, बड़ी वाली, छोटी वाली तो भाई ठोकते रहो। तो गाइस इस रेट की बात करें तो यार, इसमें अगर हम लोग बूस्टर से चलाएंगे तो इसका स्पीड हो जाता है, टॉप स्पीड की बात कर रहा हूँ, 157, और नॉर्मल में चलाए तो यार अपना चला जाता है 100 के आसपास। नॉर्मली आपको 75 ऐसे दिखाएगा, बट वो बूस्ट होके अपने आप से 100 चला जाता है। वैसे इसका मैकेनिज्म उल्टा है, अगर बूस्ट दबाओगे तो स्टेबल होके 100 चलेगी, और नॉर्मल चलाओगे तो यार एक टाइम के बाद उसका स्पीड टॉप स्पीड 157 हो जाती है। तो मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ, क्योंकि सर्वर में काफ़ी मैंने खेला हुआ है तो मेरे को पता है। तो गाइस अगर आज की वीडियो को अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कोई भी दिक्कत आती तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, या फिर और भी दूसरा डिज़ाइन का चेहरा चाहता हो तो भी बताना ज़रूर से, ताकि हम आपका हेल्प कर सकें और कुछ नया कंटेंट आपको भी नया देखने को मिलेगा।